इतिहास में सीरियल किलिंग की घटनाएं काफी पुरानी हैं। सीरियल किलर ठग बहराम से लेकर निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली तक अनेक नाम हमारे सामने हैं। ट्रुथ सागा ऐसी ही घटनाओं पर एक सीरीज पेश कर रहा है। इस कड़ी में आज पेश है कुख्यात सीरियल किलर कनपट्टी मार संगरिया की खौफनाक कहानी, जिसने हथौड़े से 70 लोगों की हत्या कर दी थी। सीरियल किलर यानी वो व्यक्ति जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को कष्ट देता है, उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इससे मिलने वाली खुशी को पाने के लिए वह लगातार हत्याएं करता है। इसके लिए वह एक खास तरीका भी अपनाता है, जैसे मुंबई का रमन राघव एक मुग्धारनुमा हथियार से सो रहे लोगों पर लगातार वार कर मार देता था, वहीं संकरिया हथौड़े से वार कर हत्याएं करता, इसलिए उसका नाम पड़ा कनपट्टी मार संकरिया। साल 1952 राजस्थान की राजधानी जयपुर में संकरिया का जन्म हुआ। जैसे हर माता पिता की ख्वाहिश होती है उनका बेटा अपने जीवन में कुछ अच्छा करे, संकरिया के माता पिता की भी यही ख्वाहिश थी। लेकिन 25 साल की उम्र में संकरिया ने जो किया उससे लोगों की रूह कांप गई। 1977 से 1978 यानी सिर्फ एक साल में संकरिया ने करीब 70 लोगों की हत्या कर दी थी। अपने शिकार को मारने के लिए भी संकरिया ने एक अनोखा अंदाज अपनाया था। वह लोगों के कनपट्टी पर हथौड़े से हमला करता था, जिससे तुरंत ही मौत हो जाती थी। पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि लोगों को हथौड़े से मारने में उसे मजा आता है। 9 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 7:30 बजे श्याम सिंह नाम का एक व्यक्ति सादुली सहार थाना FIR दर्ज कराने पहुंचा। उसने बताया कि सुबह लगभग 7 बजे जब वह अपने गांव के गुरुद्वारे में झाड़ू लगाने और धूप जलाने के लिए गया तो उसे 3 व्यक्ति मिले, जिसमें से एक मदा सिंह एक खाट पर कराह रहा था। उसने बताया कि वह देखकर डर गया और वह भाग कर गाँव वापस गया। वहाँ से उसने जागर सिंह, हरि सिंह, सुखदर्शन सिंह, अमर सिंह और अनिश से संपर्क किया और उनके साथ वापस गुरुद्वारे लौटे। तब पता चला कि हरि सिंह का पुत्र करतार सिंह एक खाट पर मृत पड़ा है और उसके सिर पर चोट के निशान हैं। अन्य 2 व्यक्ति मादा सिंह और वजीर सिंह घायल पड़े थे। कमरों के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। मामला दर्ज कराने के बाद थाना प्रभारी भगवान सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने एक डिटेल नोट तैयार किया जिसमें उनके द्वारा मौके पर देखे गए तथ्यों को दर्ज किया गया। अन्य बातों के अलावा उन्हें एक खून से सना कस्सी और एक डिब्बी मिली। कुछ सिक्के भी वहाँ बिखरे पड़े थे। उन्होंने डिब्बियों पर कुछ उंगलियों के निशान देखे, इसलिए उन्होंने खुशदर्शन सिंह, जागर सिंह और शहीद गवाहों की उपस्थिति में डिब्बी जब्त की और इसे एक पार्सल में सील कर दिया। उन्होंने खून से सने कस्सी को भी एक पार्सल में सील कर दिया। उन्होंने घटनास्थल में खून से सनी मिट्टी, कपड़े और टूटे ताले भी अपने कब्जे में ले लिए। उन्होंने मृतक करतार सिंह के शव के संबंध में जाँच रिपोर्ट भी तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भगवान सिंह ने 12 सितंबर 1973 तक जाँच जारी रखी, जब भंवर सिंह ने इसे अपने हाथ में ले लिया। राजस्थान और पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में हत्या या हत्या के प्रयास से जुड़े इस पैटर्न में बड़ी संख्या में अपराध किए गए थे। फरवरी 1973 से मई 1974 तक अकेले गंगानगर जिले में इस तरह की अपराधों के 15 मामले दर्ज किए गए। स्वाभाविक रूप से गंगानगर जिले की पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। भंवर सिंह थाना प्रभारी सदर थाना गंगानगर ने कुछ अपराधों की जाँच शुरू की। उन्होंने 12 सितंबर 1973 को इस मामले की भी जाँच अपने हाथ में ले ली। श्री श्याम प्रताप सिंह राठौर जिला पुलिस अधीक्षक ने इस जांच की निगरानी की। शक हुआ संकरिया पर, जो अनुपस्थित था अपने पैतृक गांव कानपुर जिला गंगानगर से। 3 जून 1974 को SP श्री राठौर और SHO भंवर सिंह बठिंडा गए और दोषी संकरिया को गिरफ्तार किया। भंवर सिंह ने संकरिया की गिरफ्तारी और उसकी व्यक्तिगत तलाशी के संबंध में ज्ञापन जारी किया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद संकरिया से कहा गया कि वो अपना चेहरा ढक कर रखे, जो उसने किया। फिर संकरिया को पुलिस गंगानगर ले गई और 4 जून 1974 को थाने के लॉकअप में बंद कर दिया गया। 5 जून 1974 को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के आदेश के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ CI श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा जांच की गई। 12 जून 1974 को पुलिस द्वारा राय सिंह नगर ले जाकर मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक लॉकअप में रख दिया गया। 13 जून 1974 को SP CID श्री श्रीवास्तव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट राय सिंह नगर को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि आरोपी का इकबालिया बयान दर्ज किया जाए। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया कि आरोपी को न्यायिक लॉकअप में भेज दिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए 14 जून 1974 की सुबह 7 बजे पेश किया जाएगा। संकरिया को 14 जून 1974 को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से संकरिया से कुछ प्रश्न पूछे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह स्वेच्छा से बयान देना चाहता है। मजिस्ट्रेट ने उसे विचार करने के लिए कुछ समय दिया और सुबह 8:45 पर उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया। 5 जून 1974 को पुलिस ने संकरिया की उंगली के निशान का नमूना लिया, उसके पैरों के निशान भी लिए गए और उसके पैरों के सांचे भी तैयार किए गए। मादा सिंह और वजीर सिंह घायलों को जांच अधिकारी द्वारा 9 सितंबर 1973 को ही गंगानगर के अस्पताल भेजा गया था।
डॉक्टर की राय से इन सभी चोटों के संदेह कस्सी की तरह एक तेज हथियार था। मादा सिंह ने 11 सितंबर 1973 को सुबह 6 बजे अस्पताल में दम तोड़ दिया। डॉक्टर MP अग्रवाल ने ही मादा सिंह का पोस्टमार्टम किया। इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं था। घटना के समय 3 पीड़ित गुरुद्वारे में थे। करतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। अस्पताल में बिना होश में आया मादा सिंह की भी मौत हो गई थी। अकेले वजीर सिंह का बयान किया गया, जब हमला हुआ था तो वो सो रहा था, उसके सिर पर चोट लग गई थी, उन चोटों के कारण वे होश खो बैठा था और बहुत बाद में 9 सितंबर 1973 को अस्पताल में उसे होश आया। इन परिस्थितियों में वो यह नहीं कह सका कि उसके सिर पर चोट किसके द्वारा लगाई गई। हालांकि उसने रुपये की चोरी के लिए बयान दिया। यह वही 600 थे जो उसने गुरुद्वारे में रखा था। यह राशि गुरुद्वारे के एक कमरे के निर्माण के लिए दिए गए योगदान में जुटाई गई थी। इस प्रकार संकरिया की 2 सिद्धि मुख्य रूप से उसके इकबालिया बयान पर टिकी हुई थी, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री SK बंसल द्वारा 14 जून 1974 को संहिता की धारा 164 आपराधिक प्रतिक्रिया के तहत दर्ज किया गया था। इस इकबालिया बयान का अहम हिस्सा कुछ यूं है। लगभग 10 महीने पहले की घटना है। मैंने दिन में 3 बजे भटिंडा से माटिला के लिए रेल टिकट खरीदा था और लगभग 7:30 बजे माटिला पहुंचा। इसके बाद रेल ट्रैक लेकर तख्त हजारा पहुंचा। तख्त हजारा के पास कपास के खेत में छुप गया। वहां मैं रात के 12:30 बजे तक बैठा रहा। करीब 12:30 बजे मैं वहां से निकला, रेलवे लाइन पार कर गुरुद्वारे पहुंचा। वहां मैंने लाइन के किनारे दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका, इसलिए मैं किनारे में बने जगह से चढ़ गया। गुरुद्वारे के अंदर जाने पे मुझे वहां पे एक कोने में एक कस्सी पड़ी मिली। थोड़ा और अंदर जाने पे मैंने वहां अंदर में 3 बिस्तर लगे देखे। वहां 3 लोग सो रहे थे। मैंने कस्सी को उठाया और कस्सी के पीछे की तरफ से एक व्यक्ति के सर पर मारा। इसके तुरंत बाद मैंने बगल में सो रहे दूसरे व्यक्ति को मारा। इस दौरान तीसरा व्यक्ति, जो थोड़ी दूर पे सो रहा था, उठकर भागने लगा। मैंने दौड़ने के बाद उस व्यक्ति को भी मार दिया। फिर मैंने वहीं रखे मटके में से पानी पी, फिर रसोई में प्रवेश किया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। वहीं पर एक दूसरा कमरा था। जब मैंने उसे खोला तो वहां एक शर्ट मिली जिसमें एक चाबी रखी थी। चाबी वहीं पड़े एक बक्से की थी। मैंने जब वो बक्सा खोला तो मुझे 700 रुपये मिले। फिर मैंने वहीं रखे एक संबल की मदद से दूसरे रूम का ताला तोड़ा। वहां मुझे करीब 400 रुपये मिले, जिसमें से 300 नगद थे और कुछ 100 के सिक्के थे। फिर मैं बहुत देर तक वहीं रहा, वहीं से पानी पी, बीड़ी पी, पास के जोहर से बाल्टी में पानी लाया और नहाया। फिर मैंने गुरुद्वारा खोला और उसकी तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब तक सुबह होने लगी थी। मैंने तुरंत तख्त हजार गाँव छोड़ दिया और रेलवे ट्रैक लेके सड़क पर पहुंच गया। वहां मैं सुबह 7 बजे तक रहा। सुबह 7 बजे मैं संगरिया के लिए बस पर चढ़ा और स्टेशन चला गया। मैं वहां सुबह 10 बजे तक रहा और चाय पी। फिर मैं सुबह 10 बजे भटिंडा के लिए ट्रेन पर चढ़ा और 12:30 बजे भटिंडा पहुंचा। वहां मैंने उन्हीं पैसों से कपड़े सिलवाए। शाम को 10 बजे मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पर चढ़ा, लेकिन मैं दिल्ली नहीं गया बल्कि मैं बीकानेर चला गया। मैं 2 दिन बीकानेर में रहा। 2 दिन बाद वापस दिल्ली आया और 2 दिन दिल्ली में रहा। फिर मैं दिल्ली से भी निकल गया और हरिद्वार चला गया। वहाँ एक किराए के कमरे में मैं 12 रुपये प्रतिदिन के दर से रहने लगा। मैं हरिद्वार में 8 से 9 दिन तक रहा। फिर मैं ऋषिकेश की ओर चला गया। वहाँ से लौटकर फिर हरिद्वार में रुका और अंत में अम्बाला के रास्ते बहु लौट आया। मैंने 1 महीने तक कोई काम नहीं किया। इसके बाद मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया। साथ में मैं चोरी भी करता था, पुलिस भी पकड़ती थी फिर छोड़ देती थी। ये तो सिर्फ एक केस की कहानी थी। 25 साल की उम्र में सीरियल किलर बने संकरिया को 16 मई 1979 को फांसी दे दी गई। उस वक्त उसकी उम्र महज 27 साल की थी। संकरिया को देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि वह इतना खतरनाक भी हो सकता है। जेल में रहने के दौरान उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फांसी लगाए जाने से पहले संकरिया ने कहा, मैंने बिना कारण लोगों की जान ली, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखें। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।